मर गए अभी रात में थी उम्र। ये देख सुबह का इस समय 8:30 बज रहा है और अभी जस्ट उठे हैं धोकर तो मुंह वगैरह धुले, तो हमने सोचा यार चलो आज सुबह से ही ब्लॉग स्टार्ट करते हैं क्योंकि कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था कोयल को लेकर। तो सबसे पहले आपको बता दें कि मौसम का हाल भाई, कि यहाँ पे मौसम कुछ ज़्यादा ही हॉट है, इतना ज़्यादा हॉट है कि घर में बैठा नहीं जाता। इसी टाइम से गर्म गर्म हवा आना स्टार्ट हो गया है, रूम में बैठो भाई तो जैसे कोई आग जला के रखा, बर्दाश्त नहीं होता। इस समय टेम्परेचर बता दें कि आपको 40 से प्लस यानी 42-45 के आसपास जाता होगा। इतना कोयल को लेकर कुछ लोगों का क्वेश्चन आ रहा था, कुछ लोग पूछ रहे थे कि भाई कोयल का क्या हुआ, तुमने पकड़ा था उसका क्या हुआ, वो ठीक है कि नहीं। तो भाई कोयल ठीक है एकदम, कल रात में दाना वगैरह चुगा दिए थे, दिन में 2-3 बार चुगाते, उसके बाद हम चले गए थे शादी में, तो बहनों को बोल दिए थे कि उसको बाहर कर देना, तो वो यानी कि वो चुगा देना, तो वो लोग रख दे देना, जब से हम उसको देखे भी नहीं कि कैसी है। तो अभी चलेंगे, जब उसको दाना वगैरह चुगाएंगे तो ठीक है। और हाँ ये भी पूछ रहे थे कुछ लोग कि भाई पंख उसका ठीक हुआ कि नहीं हुआ, तो पंख भाई बता दें कि वो ठीक नहीं होने वाला, क्योंकि पंख पूरा लटक गया, पूरा यानी टूट के अलग यानी एकदम टूट गया, उसका जो पंख है ना इतना टूटा है कि उसका जो पैर है पैर में फंस जा रहा बार बार, किसी तरह उसका पंख बांध देते हैं, दोनों पंख उसके पैर में फंसे ना, क्योंकि जब पंख उसका टूटा है ना तो वो जब फंसता तो उसको बहुत ज़्यादा दर्द वगैरह होता है, चिल्लाती है, नोचने लगती है जब पकड़ो, तो उसके पंख में बहुत ज़्यादा दर्द है। ये सारा चीज़ उसमें हम दवा वगैरह लगाए ताकि स्वेलिंग वगैरह कम हो जाए, तो स्वेलिंग तो खैर कम हो गया है उसका, सब कुछ ठीक है। लेकिन ये एक चीज़ ये है कि हाँ पहले से ज़्यादा बहुत डरती थी दाना वगैरह चुगाने में, बहुत डरती थी दाना वगैरह चुगाने में, भाई हालत ख़राब हो जाता था, इतना ज़्यादा नोचती थी। यही सारा बात है। और उसको यार जो दाना चुगाते हैं आप लोग भी ये भी पूछ रहे थे क्या क्या खिलाते हैं, तो भाई आपको बता दें कि चावल गेहूँ और थोड़ा मुर्गे की गोश्त मीट वगैरह ले आते हैं, ताकि वो ही सब चुनती है, उनको कीड़ा मकोड़ा से लाएंगे, तो अपना कोशिश होता है कि वो यानी कि हर पेट खाती है, खिलाते हैं मुँह में डाल देते हैं तो अपने आप हाथ पर रख देती है, तो निडर हो गई अपने आप ही चुन लेती, पानी वगैरह रख दो ये सारा। तो अभी चलो भाई अभी मिलाते हैं आपको, दिखाते हैं सुबह के अभी समय 9 बज रहे हैं और पानी हम नाश्ता वगैरह कर लिए और अब उसको यार चुना देते हैं थोड़ा बहुत, ये चीज़ हम चुनाते हैं हम आपको। ये है इसमें चिकन है और लीद वगैरह है, बाकी इधर पानी वगैरह रखा हुआ है। चलो यार जल्दी से चुना देते हैं, वहाँ पे बांध रखे हुए उसमें है उसमें कंडी उस बॉक्स में पैक किए हुए हैं, तो चलो खोल लेते हैं उसको और फिर निकालते हैं आप। चलो इसी के अंदर यही ये चलो भाई खोल लेते हैं फिर दिखाते हैं आप। यार यक नहीं कर रहे यार, ये क्या हो गया यार। रतियम ठीक रही, अभी जो हम दे रहे हैं ना जो हम दिया था तो मतलब चुनाव ना दे रहे कैसे मर गई, तो हम तो नहीं लगे कि ज़्यादा धूप गर्मी हो जैसे तो हवाइयों तो पास नहीं है तो ना ठीक है। अभी कल रात यानी कल एकदम ठीक थी भाई एकदम, चुनाव ना और भी जस्ट खोले अभी हम खोले हैं जब वो लाइन डाला चुनाई की, ये क्या हुआ है ये हमने ये देखो भाई मर गई पता नहीं कितने यार मजाक से कर कुछ नुकसान की। ये देखो भाई अभी यानी कल रात में ठीक थी यार एकदम,
हमें लग रहा है ये रात में कितने बजे मरी कुछ पता ही नहीं चल रहा। वो तो पाठक परी ने तो कहा चल गया भाई यार दिखा दी गया। देखो इसका पंख बांध दिए थे ताकि ये लटक रहा था, यही पंख पूरा टूटा हुआ इसका, तो इसको बांध दिए थे तो लटकता नहीं था तो आसानी से खड़ी रहती थी, ये तो इसका जो पैर था फंस जाता था तो इससे और ज़्यादा दिक्कत हो रही थी इसको, इसीलिए बांध देते थे कभी कभी ताकि ठीक रहे। जो पंख था ना यही इसका पंख टूटा हुआ है, यही ये जो चीज़ था, ये जो सोइलिंग है ये चीज़ हमें लग रहा है जगह से हट गया या फिर टूट गया था जिसकी वजह से ये उड़ भी नहीं पा रही थी, ये पूरा पंख इसका इसे झूलता रहता। अब ये चीज़ था, ये लोग जानते पंछी वगैरह जल्दी इंसानों के बीच में रहते नहीं हैं यार, ये छोटा होते जंगल में रहते पेड़ वेड़ पे रहते जिसकी वजह से ये लोग उतना सर्वाइव ही नहीं कर सकते हम लोग के बीच में। ये हम देखे सॉफ्ट हो गए, यकीन ही नहीं हो रहा यार, क्योंकि कल रात में भी एकदम पूरी तरीके से ठीक थी और रात में ऐसा क्या हुआ था नहीं, एकदम नेचुरल ना, कुछ ऐसा कोई चीज़ खिलाए भी, वही जो रूटीन होता है जो थोड़ा गोश्त वगैरह या चावल गेहूं यही सारा चीज़ हल्का फुल्का चुना देते, यही वजह है कि गर्मी लगने की वजह से लग रहा गर्म से ये मर गई। सो गाइस फाइनली मर गई यार, नेचुरल मौत था इसका, रात में एकदम ठीक थी दाना वगैरह चुनी है, उसके बाद रात में क्या हुआ अपने आप ही मर गई। अभी जब सुबह हम जब गए थे चुनाने तो देखे ही आप कैसे हाल है भाई इसका, जा रहे हैं हम सब खुदाई कर कर पाटने, देख सकते हैं आप उधर प्लाट में हम सब पाट देंगे। देखिए गाइस जा रहे हैं अब इसको पाटने, इसका इतना ही जिंदगी था भाई, कुछ नहीं कर सकते इसमें हम, जितना था हम लोग कोशिश किए थे जिया ये ठीक हो जाए लेकिन ठीक नहीं हुई, जितना था उतना कर दिए कोशिश किए लेकिन रात में पता नहीं कब मरी कुछ समझ में नहीं आता यार। चलो भाई मुझे चपना देते हैं, अबे देख ऐसे ही कर दे रहे हैं, देख मुबस्सिर इसके ऊपर डाल दे रहे हैं, मुबस्सिर टेंशन हो जाता है यार, इतना सब कुछ सेवा करो कि ठीक हो जाए, टेंशन हो जाता है, फिर मार माटी डाल दे यार, डाल कर माटी। चल मटिया डाल पर यहाँ से डाल मटिया छिसका, कसम से दिल से बता रहे हैं ना बहुत ज़्यादा खुश हुआ, इतना ज़्यादा खुश हुआ कि अब क्या बताएं, समझ में नहीं आया कि कैसे हुआ, बस यही हम कह सकते हैं नेचुरल मौत थी और कुछ नहीं, लेकिन अंदर से भाई बहुत गिल्टी फील हो रहा है कि इतना दिन यानी कम से कम 15-20 दिन हम लोग रखे हुए थे इसको, यही आशा था कि एक दिन ठीक हो जाएगा तो उड़ा देंगे तो छोड़ देंगे आज़ाद कर देंगे, लेकिन उससे पहले ही चल बसी थी, यही है क्या कर सकते हैं यार, अपना कोशिश था जितना था हम कर दे, दिन नहीं था जितना दिन जिंदगी था उतना दिन थी और क्या कर सकते, मौत आ गई तो जाना वो में बहुत प्यार होता है। चलो यार चलते हैं, आज पूरा दिन मेरा यानी कि अफसोस में गुजरेगा ये जान लो, जब भी हम छत पे जाएंगे ना उसी का ख्याल आएगा। अभी देखो अभी अम्मा नहीं है, वो भी पूछेंगे यानी सब लोग पूछेंगे, जब देखेंगे कि नहीं है तो पूछेंगे कि कहाँ गई, यही सारी चीज़ देना पड़ेगा कि मर गई क्या करते, चलो कोई नहीं बाकी दफना दिए वहीं पे और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।